पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के दो क्वेश्चंस किए जो सीजीएल 22 में आए थे टीयर वन में, पर मैं बता दूं इस वीडियो में एक क्वेश्चन और कवर करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का जो मुझे बाद में मिला अपनी पीडीएफ में, तो इस एक क्वेश्चन को करेंगे और सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करेंगे जो कि मैं बता दूं वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है किसी भी चैप्टर के जो इस बार सीजीएल में पूछे गए टीयर वन में मैथ्स की बात करें अगर तो सिंपल इंटरेस्ट की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर इसमें जो इंस्टॉलमेंट्स के क्वेश्चन है और थोड़े बहुत क्वेश्चन थोड़े नए टाइप के आए उनको कैसे जल्दी सॉल्व करना है इस पे डिस्कस करेंगे। मेरा मेन पॉइंट ऑफ फोकस इंस्टॉलमेंट रहेगा, करेंगे हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 वार्म अप क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन जो पूछा गया कि 7,500 रुपए पे 3,500 डाउन पेमेंट हुआ। आजकल तो सबको क्रेडिट कार्ड पता है, क्रेडिट पता है, तो ये सारे टर्म्स बड़े कॉमन हो गए हैं हिंदी स्टूडेंट्स के लिए भी इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए भी, तो मेरी मेहनत थोड़ी सी कम हो गई, डाउन पेमेंट हो गया 3,500-4,000 रुपए की लोन बची जो इसने साधारण ब्याज पे ले लिया 9% पर एनम पे और 4 महीने बाद इसने क्लियर कर दिया एक साथ, ठीक है, इंस्टॉलमेंट नहीं है कुछ भी इसमें, एक साथ क्लियर किया। अगर मैं बोलूं कि एक साल का ब्याज क्या लगता है इस पे, तो आप बोलते 9% लगता, 9 चौके यानी कि 360 रुपए लगता, पर यहाँ पे 4 महीने का ब्याज लगा है, तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में आप क्या करेंगे, सिंपली टाइम की जगह आप 4/12 लेंगे क्योंकि पर एनम का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो सिंपल हमारा फॉर्मूला क्या है एसआई का, PRT/100, यही फॉर्मूला हमें इस वीडियो में यूज करना है। 4,000 हमारा प्रिंसिपल लोन है, रेट हो गया 9/100 और टाइम हो गया 4/12, इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, 40 × 3 यानी कि 120 रुपए आपका ब्याज है जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आते हैं अच्छे क्वेश्चनों पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, बेसिक से बताऊंगा ये अलग क्वेश्चन में, टाइम लेके बताऊंगा, जो बच्चे ने देखा भी है या नहीं भी देखा है उसके सारे डाउट्स जो है ना सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट के वो मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में जो 2-3 तरीके की मेथड है वो सारी मेथड मैं बताऊंगा, फिर जो अच्छी लगे आप वो कर लेना और मेरे हिसाब से जो बेस्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली मेथड पे आते हैं, फर्स्ट मेथड इक्वल इंस्टॉलमेंट के केस में बता रहा हूं कि मैंने इंस्टॉलमेंट मान ली 100 रुपए के बराबर, यानी कि 4 साल में इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखें तो 4 इंस्टॉलमेंट देनी है हर साल, तो मैंने मान लिया 100, 100, 100 और 100, ये मेरी 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं। अब इस क्वेश्चन में एक बड़ा अच्छा टर्म लिखा हुआ है डेट। सबसे पहली बात, अगर आपको क्वेश्चन में डेट दिखे या पेबल दिखे, ये दोनों लैंग्वेज यूज होती है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है या आपकी प्रिंसिपल नहीं है या आपका अमाउंट है, यानी कि ब्याज के साथ प्रिंसिपल को जोड़ के जो पैसा बना है 4 साल का वो अमाउंट है ना। और इससे आप डायरेक्टली अगर आप इस ये सोचो कि ये मेरा 12% और फॉर्मूला सारा डाल के मैं प्रिंसिपल निकाल लूं, वो नहीं निकल सकता है, क्योंकि होता क्या है जब मैंने पहली साल की किस्त 100 रुपए दे दी तो बचे हुए जो तीन साल के पैसे हैं यानी कि 300 रुपए हैं, उस पे तो इंटरेस्ट जुड़ेगा, उस पे इंटरेस्ट जुड़ेगा, यानी कि मैं बोल सकता हूं 300 का 12% मुझे अभी भी जुड़ा यानी कि 36 रुपए, ठीक है, 100 का 12% 12 होता है तो 300 का 12% इंटू 3 कर लीजिए 36, 2 साल के खत्म होने पर मैंने 200 रुपए लौटा दिए पर अभी भी ये 200 रुपए पे इंटरेस्ट मेरा लगेगा, तो यानी कि 24 रुपए, तीसरे साल 12 रुपए लगेंगे और चौथे साल 1 भी रुपए नहीं लगेंगे क्योंकि मैंने पूरा पैसा लौटा दिया होगा। बात समझ में आई? अब मैं बोल सकता हूं टोटल इंटरेस्ट कितना लगा मेरा 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट के हिसाब से, टोटल इंटरेस्ट लगा 60 और 12 72 रुपए, टोटल वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी आ गई 400 रुपए, तो अगर मैं सारी इंस्टॉलमेंट को जोड़ दूं और ब्याज को जोड़ दूं तो जो 472 रुपए बन रहे हैं उसके बराबर आप इसको इक्वेट कर सकते हैं, जो डेट या पेबल अमाउंट होता है, यानी कि फाइनली कितना पे किया बंदे ने प्रिंसिपल अमाउंट प्लस ब्याज, वो ये वैल्यू है 5,666। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप अपना। सेकेंड स्टेप की अगर मैं बात करूं, सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि 5,666 ये बराबर है 472 के,
तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला हमारा क्या है, रियल अपॉन उसकी एज्यूम्ड वैल्यू, और जो भी हमें निकालना है, हमें इंस्टॉलमेंट निकालना है, तो उसकी एज्यूम्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यहां से सॉल्व कर लेते हैं, पहले 4 से कर दूंगा मैं, सो 18 आ गया। अब मुझे दिख रहा है 9 दुनी 18 होता है, और अगर मैं देखूं भी तो 590 10 टाइम्स हो गया, और उसमें 118 मैं और जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, 708। तो ये 12 बार जा रहा है और आंसर मेरा कितना आ गया, 1200। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में अगर आपको 10% चीजें भी समझ में आ गई तो मैं मान जाऊंगा कि मैं कामयाब हो गया हूं, और फिर हम लोग आगे 10 क्वेश्चन और करेंगे इसके, तो आप आराम से 90% तक पहुंच जाएंगे, फिर 10% आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है, 10% भी इस क्वेश्चन के एंड होने तक समझ में आ गया उतना बहुत है, ज्यादा दिमाग अभी बिल्कुल भी नहीं लगाना है आपको। ये हो गई पहली मेथड। अब आते हैं सेकेंड मेथड पे, सेकेंड मेथड पे आते हैं, जिसमें हम लोग इंस्टॉलमेंट को क्या लेते हैं, एक्स मानते हैं। इंस्टॉलमेंट को मान ली मैंने एक्स वेरिएबल फॉर्म में। अब क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट मैंने पे की, मुझे इसके बराबर अगेन लिखना है, यानी कि इंस्टॉलमेंट प्लस ब्याज। तो 4 तो इंस्टॉलमेंट हो गई, ये हो गई इंस्टॉलमेंट का पैसा, प्लस जो ब्याज लगा वो मैंने कैसे जोड़ा, एक इंस्टॉलमेंट लिखनी है इनटू रेट लिखना है इनटू जो टाइम आपको दिया हुआ है, यानी कि 4 साल दिया, उसका लॉजिक मैंने आपको फर्स्ट मेथड में बता दिया, उससे एक कम करना है और 3 + 2 + 1 ये कर देना है आपको। ठीक है, रटा रटाई वाली मेथड है ये, अगर ऐसा ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये 4x बन गया और ये बन गया 72x/100। अगेन आप करेंगे तो आपको मिलेगा 472x/100, और इसको आप सेम एज इट इज चीजें करेंगे तो आपको डायरेक्ट इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ जाएगी 1200। ये हो गया मेरा सेकेंड मेथड। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड मेथड पे। मैं अगर आपको बोलूं तो मैं सेकेंड मेथड को कंसिडर करूंगा फर्स्ट मेथड की जगह, क्योंकि ये थोड़ी सी फूल प्रूफ और थोड़ा आपको डायरेक्ट आपको इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बता देगी, तो थोड़ा सा उससे एक्यूरेट मेथड है, गलतियां होने के चांस कम है। अब आते हैं थर्ड मेथड, जो मुझे सबसे अच्छी मेथड लगती है इस टाइप के क्वेश्चन में, वो है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड मेथड। इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 100 × अमाउंट / 100 × टाइम + टाइम × टाइम - 1/2 × रेट। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा मुझे पता है, पर जहां आपने 4-5 क्वेश्चन इस फॉर्मूले के कर लिए, आराम से आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। तो इंस्टॉलमेंट मुझे निकालनी है, मुझे यहाँ पे अमाउंट भी दिया है, टाइम भी दिया है, रेट भी दिया है, तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला क्यों ना यूज करूं, मैं इतना ट्रिक वगैरह और ये सब याद करने की जरूरत क्या है, जब एक सिंपल से फॉर्मूले से मुझे यहाँ पे टाइम की जगह 4 साल आएगा, रेट की जगह 12% यानी कि 400 + 4/2 यानी कि 2 × 3 = 6 × 12 = 72। सेम वही चीज आ गई, सेम वही चीज आ गई फिर से हमारे पास, और सेम आंसर आ जाएगा कितना, 1200 रुपए। अब इन्हीं चीजों को इतना कंफ्यूज करके हर किसी ने रखा हुआ है कि स्टूडेंट क्या होता है कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ पे कौन सी मेथड लगानी है, जबकि हर एक मेथड एक ही क्वेश्चन में आप लगा सकते हो, आपके ऊपर है अब आप किस पे जाते हो। अगर सिंपल सा क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट पे, मैं कहूंगा इस फॉर्मूले पे जाओ, मुश्किल से 30 सेकेंड या 40 सेकेंड में केवल कैलकुलेशन का जो टाइम लगे आपका आंसर आ जाएगा, गलती होने की इसमें कोई भी चांस नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब क्वेश्चन नंबर 5। ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन नहीं है क्योंकि लिखा हुआ है इंस्टॉलमेंट, इसलिए मैंने डाल दिया है। 6.5 लाख का डाउन पेमेंट उसमें से कुछ किया, 6.5 लाख की प्राइस थी कार की, उसमें से कुछ डाउन पेमेंट किया और कुछ उसने लोन लिया, फाइनेंस कराई, जो 10% का सिंपल इंटरेस्ट जिसपे लगा। ठीक है, 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट 25,000 की है, तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू नहीं यूज करनी है या इंस्टॉलमेंट के ट्रिक्स नहीं यूज करने हैं, डायरेक्ट यहाँ पे 25 × 20 यानी कि 5 लाख रुपए तो उसने जो फाइनेंस कराई थी उसकी टोटल अमाउंट की वैल्यू हो गई, और बची हुई वैल्यू उसने जो है
डाउन पेमेंट की होगी, पर इसमें आपका क्या है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट तो है ही है, यानी कि प्रिंसिपल लोन अमाउंट है और उसके साथ इंटरेस्ट भी है, ब्याज भी है, यानी कि ये अमाउंट आपको दिया हुआ है 5 लाख रुपए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर 110% ऑफ मेरा प्रिंसिपल एक्स है, मान लीजिए उसकी वैल्यू 5 लाख है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 लाख, 2 जीरो और ऐड कर दूंगा, अपॉन 110। ठीक है, ये क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट कहीं पे भी लिखा नहीं था एसएससी वालों ने, ये मैंने ऐड किया है अलग से, क्योंकि इस पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, ये सारी एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है। 11 से जब आप डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 4 5 4 5 4 5, ऐसे ही चलता जाएगा, 0.45 कुछ ऐसा आ जाएगा, यानी कि 4,54,545 पॉइंट कुछ रुपए, ऐसे ये चलता जाता है, रिकरिंग है ये, है ना, इतने रुपए इसने लोन पे उठाए थे एज अ प्रिंसिपल। तो 6.5 लाख में से अब मैं इतने हटा दूं, ये एक ही क्वेश्चन इस टाइप का आया था, और क्योंकि यहाँ पे लमसम वर्ड यूज हुआ है, देखिए लमसम वर्ड यूज हुआ है, इसीलिए यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन में ये कन्वर्ट हो गया, नहीं तो आप इंस्टॉलमेंट वाले पे जाते, यहाँ पे लमसम लिखा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट लगा है, जो नॉर्मल तरीका है उस तरीके से। ये 5 आ गया, ये 5 आ गया, अगेन ये 4 आ गया, 3 आ गया, 9 आ गया, 1 आ गया, ये 5 है, सॉरी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पॉइंट भी, यहाँ पे पॉइंट में भी कुछ आंसर आएगा, यहाँ 45 है तो यहाँ मान लेते हैं 54 आ जाएगा, कुछ इस टाइप से आंसर आएगा, तो आपको दिख रहा है कि ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन, कैलकुलेटिव आए थोड़े क्वेश्चन। अब देखिए सेम जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया वो हम लोग अब फिर से करेंगे, मेथड जो मुझे पसंद है उससे करेंगे एक बार, हर क्वेश्चन थोड़ी अलग मेथड से कर लेते हैं। डेट लिखा हुआ यानी कि ये अमाउंट है मेरा, 5 साल नीचे डायरेक्ट मैं अब 100 × 5 ये कर दूंगा, एन इंटू एन माइनस 1/2 में मन में ही कैलकुलेट करता हूँ, ये नहीं कि ये पूरा मैं फ्रैक्शन फिर से लिखूं इक्वल टू करके, तो 5 × 5 - 1 यानी कि 4 20 हो गया, अपॉन 2 10 हो गया, 10 × 10 100 हो गया। ठीक है, अगर फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो मैं फिर से लिख देता हूँ, 100A/100N + N (n-1/2R). ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो 600 नीचे आ गया, 100 × 9600/600, 16 टाइम, 1600 रुपए की आपकी क्या बन गई, किस्त बन गई, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, ये वाले में मुझे डाउट है कि इसके ऑप्शन सही दिए हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से गलत है सारे ऑप्शंस, तो इस वजह से मैं ये क्वेश्चन स्किप कर रहा हूं अभी फिलहाल के लिए, कंफर्मेशन मुझे नहीं है, अगर आपको कंफर्मेशन है कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे जरूर कवर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, 15,600 का फिक्स डिपॉजिट किया, 10% का सिंपल इंटरेस्ट है, और इसके बाद यहाँ पे कोई भी इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन ये नहीं है, सिंपल है, आपसे बोल रहा है 2 साल बाद वो इंटरेस्ट इसमें जोड़ देता है, तो 1 साल का 15,600 का इंटरेस्ट क्या बना, 1560, 2 साल का कितना बन जाएगा, 3120, 2 साल बाद इतना इंटरेस्ट हो गया और स्टार्टिंग में प्रिंसिपल मेरा इतना था, तो 2 साल बाद इसने इसे जोड़ के इसे प्रिंसिपल में ऐड कर दिया, जो कि हो जाएगा 18,720। अब अगर मैं थर्ड ईयर की बात करूं तो कितना होगा इसका, 10%, यानी कि 1872, फोर्थ ईयर में भी 1872 आएगा, कोई चेंज नहीं हो रहा है, इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा, सैंतीस सौ 44। एक ऑप्शन 3744 भी दिया है, पर आपसे बोल रहा है कि इंटरेस्ट टोटल उसे कितना मिला 4 साल में, 4 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, तो पहले 3120 भी उसका इंटरेस्ट था जो उसने वापस प्रिंसिपल में ऐड किया, ये दोनों जब आप जोड़ेंगे तो आपको ऑप्शन ए सही उत्तर मिलेगा, जो कि सही उत्तर है। अब आते हैं वापस से अपने इस पे इंस्टॉलमेंट पे, 18,000 रुपये मंथली इनकम है, ये भी इंस्टॉलमेंट का नहीं है, 18,000 रुपये मंथली इनकम है, 30,000 का लोन लिया 3 साल के लिए 5% पे, ये बताइए कितना परसेंट उसकी सैलरी का, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है,
₹4,500 उसने साधारण ब्याज के रूप में दिए, तो कितना है उसके सैलरी का, यानी कि इंटरेस्ट अपॉन सैलरी इंटू 100। कितना आ जाएगा? ये सारे क्वेश्चन आप भी कर लोगे, ये मुझे भी पता है। वापस आ जाते हैं इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और हर साल डाउट आता है। क्यों बताता हूं मैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने का तरीका ही थोड़ा सा अलग है। दो तीन क्वेश्चन केवल ऐसे हैं सिंपल इंटरेस्ट में, जिनका तरीका आप जो मैं बताने जा रहा हूँ उसी तरीके से सॉल्व होंगे, इसीलिए बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। पर आपको डरने की जरूरत नहीं है, जो दो तीन तरीके मैंने बताए हैं अभी बाकी क्वेश्चनों के लिए, वो 95% क्वेश्चनों में अप्लाई होंगे। 5% में ये वाला तरीका होगा, तो इसकी एक अलग सेट ऑफ स्टेप्स हैं, वो आप ध्यान से देखिए। ₹10 का लोन दिया एक बच्चे ने, बड़ा शाना बच्चा था। उसने कहा भाई मुझे दोस्त से ही उसने इंटरेस्ट ले लिया, एक एक रुपए 11 महीने तक लिए, ₹11 लिए, यानी कि टोटल इंटरेस्ट अगर मैं बात करूं कितना रुपए ले लिया उसने, ₹1। प्रिंसिपल अगर मैं बात करूं तो कितना है, ₹10। अगर मैं ब्याज की बात करूं कि किसना कितना उसने लिया, ₹1, और प्रिंसिपल की बात करूं तो ₹10। ये दोनों चीज मेरे पास है। इंस्टॉलमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये भी मेरा ₹1, ये भी दिया हुआ है, और टाइम भी मेरा दिया हुआ है। हर इंस्टॉलमेंट का टाइम है 1 महीना, जिसे मैं ईयर में लिखूंगा तो 1/12 मुझे लिखना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे नहीं पता है, जो मुझसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, जब इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया हो, आपको कैसे करना है, हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट कितना मिला इसे, ₹11, 11 × 1 11। प्रिंसिपल कितना था, ₹10, बाकी इसका इंटरेस्ट होगा जो कि हमें पता है ₹1 है। तो इंटरेस्ट के बराबर अब हमें क्या रखना है, इंटरेस्ट के बराबर क्या रखना है, ये चीज थोड़ी सी सिमिलर है जो मेरी मेथड्स है, थोड़ा सा उसमें वेरिएशन भी है। ठीक है, ये चीज आपको करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, ₹1 की इंस्टॉलमेंट थी, और मैंने बताया जो भी टाइम है, जो भी टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट है, उससे 1 कम लेना है, यानी कि 11 महीने है तो 10 लेना है। उसका रीजन मैंने एक्सप्लेन किया कुछ क्वेश्चन पहले, वो जाके आप देख सकते हैं। और डिवाइड बाई 12 भी करेंगे क्योंकि ये मंथ्स है, इंटू रेट/100 कर देंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई। यहां से जब आप सॉल्व करेंगे, यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 1 इज इक्वल टू 10 से 1 का सम क्या होता है, NN+1/2 कर दीजिए, 110/2 यानी कि 55 बाई 12 R/100। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400, 240/11 यानी कि 21, 9/11% ऑप्शन सी। 21 9/11% अपना आंसर आ गया। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन ये होता है, यहाँ पे ना आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, ना आप बाकी चीजें लगा सकते हैं कि आपने एज्यूम कर ली 100 100 रुपए, उस हिसाब से वो सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाती हैं, तो इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, अब 11 करते हैं। अब ये मेरे वापस सेम फॉर्मूले पे आ गया। अब यहाँ पे चेंज क्या है कि हमें अमाउंट नहीं दिया इस बार, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है। ठीक है, डेट या पेबल नहीं लिखा है, प्रिंसिपल दिया है ₹2,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5% एनुअल है, 3 इंस्टॉलमेंट है, और एनुअल इंस्टॉलमेंट हमें बतानी है, ये चीज कह रहा है। अब अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अमाउंट बना सकते हो अपना। ठीक है, आप यहाँ से अपना अमाउंट बना सकते हो, ₹2,000 5% पे 3 साल के लिए कितना हो जाएगा, ₹300। ये तो ब्याज हो गया, और अगर मैं प्रिंसिपल और ये चीज जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल गया, अपनी अमाउंट मिल गई। ये मैं किस लिए बता रहा हूँ, इससे आपको क्या चीज मिल जाएगी, डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकोगे, यानी कि 100A/100N+। मैं इतनी बार इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको ये फॉर्मूला तो 100% है कि लर्न हो जाएगा वीडियो देख के ही। 2300 / 3 साल की इंस्टॉलमेंट है, 300 + 3 × 2/2 यानी कि 3, और रेट है 5 यानी कि 15। 100 × 2300 / 315, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा 460, ये आ जाएगा 63, अभी जा रहा है, अभी कुछ भी नहीं जा रहा है, तो ये आ जाएगा 46,000।
अपॉन 63, इसकी वैल्यू अगर हम सॉल्व करने पे जाएं तो ये पहली बार इंटू 7 चला जाएगा, 420 और 21 441, 19 की कैरी बनी 190, 3 से जाएगा, एक बचेगा 189 आ गया, 10 बचा तो 730 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो मुझे पता चल गया कि ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर है। ठीक है, ये आप दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, दूसरे मेथड से भी कर सकते थे। दूसरा मेथड कैसे होता, ये तो आपको करना ही पड़ता कि मेरा अमाउंट डिस्चार्ज कितना होगा, 2300 रुपये। ठीक है, 2300 रुपये, क्योंकि हमेशा पेबिल आता है यहाँ पे, फिर आप इंस्टॉलमेंट लिखते 3x प्लस यहाँ पे x इंटू 5/100, और 3 लिखा है तो यहाँ पे 2+1 कर देंगे और आएगी वही चीज़ फिर से, यहाँ पे 315x/100 आ जाएगी। ठीक है, तीसरी चीज अगर आप करते तो यहाँ पे 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये तीनों इंस्टॉलमेंट लेते, तो पहले साल का आपने पे किया पर 2 साल का बचा, इस पे लगता 5-5%, यानी कि 200 का 5%, 10 रुपये लगता, इस पे 5 रुपये लगता और इस पे कुछ भी ना लगता, तो अगेन आप इसको सम करेंगे तो 315 आ जाएगा। ठीक है, तो आएगी वही चीज, तो जब आपको प्रिंसिपल दिया हो तो आपका एक स्टेप बढ़ जाता है, वो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं, 7% के सिंपल इंटरेस्ट पे दिया, और ये क्वेश्चन सिंपल ही है पर इस पे मैं आपको एक नई चीज बताऊंगा, नई चीज बताऊंगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बेसिक से करने पे जाऊं तो मैं ये बोल सकता हूं कि मैं प्रिंसिपल को अगर अपने पी मान लूं, प्रिंसिपल को पी मान लूं, तो सिंपल इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ है वो प्रिंसिपल से 920 कम है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ पी माइनस 920 ये इंटरेस्ट हो गया इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। यहां से भी मेरा पी आ जाएगा बट थोड़ा सा टाइम मुझे ज्यादा लगेगा क्योंकि कैलकुलेशन मेरी बढ़ जाएगी। ठीक है, यहां पे वैल्यूज थोड़ी सिंपल थी तो थोड़ा सा कम टाइम लगा, बट मेंस में अगर आप देखो या कभी कभार थोड़े से टफ कैलकुलेशन अगर दे देंगे तो उसमें आपको इतनी इजी कैलकुलेशन नहीं मिलेगी। दूसरी चीज मैं जो कर सकता हूं, आपको क्यूम्युलेटिव या इफेक्टिव रेट देखना है। इफेक्टिव रेट सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपली RT/100, RT/100 आपको देखना है, दोनों चीज दी हुई है तो 77/100 मेरा इफेक्टिव रेट हो गया, और डिवाइड बाई 100 मैंने कर दिया तो क्या हो गया, इफेक्टिव फ्रैक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि ये वैल्यू अगर आप रेशियो और प्रोपोर्शन से आप पढ़ चुके हैं अच्छे से, तो मैं ये बोलूंगा कि अगर 100 रुपए का प्रिंसिपल था तो उस पे टोटल जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो 77 रुपए हुआ, इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ वो 77 रुपए हुआ। यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन से इक्वेट करूं तो ये जो 23 रुपए की डिफरेंस है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में, इसको मैं बराबर रख सकता हूं किसके, 920 के, यहाँ पे मल्टीप्लायर कितना लग रहा है 40 का, तो अगर मैं 100 रुपए यहाँ पे एज्यूम कर रहा था, इस पे भी मल्टीप्लायर लगाऊंगा 40 का, तो 4000 रुपए मेरा सम था, ये मेरा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर आपको यहाँ पे अमाउंट दिया हो, ये भी कुछ आगे के क्वेश्चन में करेंगे तो वो मैं आगे ही डिस्कस करूंगा, ये चीज आई होप आप समझ गए हो, अगर नहीं समझे तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं, भली मेरा काम है कि आपको घड़ी में थोड़ा सा आप यहां तक सॉल्व कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा यहां तक करवा दूं, है ना, तो ये चीज ध्यान रखना है। अब इंस्टॉलमेंट का फिर से क्वेश्चन आ गया, 6000 रुपए दो इक्वल इंस्टॉलमेंट है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बताया छूट गया था। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन बस थोड़ी सी हैवी है, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पता ही है हम लोग क्या करते हैं, 50 से 51 हो रहा है, यहाँ पे 100 से 102 हो रहा है ना, फिर अगेन 50 स्क्वायर से 51 स्क्वायर करेंगे और ऊपर भी मैं 51 से कर दूंगा क्योंकि ये मेरा प्रिंसिपल है और ये मेरी इंस्टॉलमेंट है, दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ भी 50 51 से करूंगा, ये वैल्यू आ जाएगी 2550, ये आ जाएगी 2500, यानी कि 5050 आ गया प्रिंसिपल और ये आ गया 51 का स्क्वायर। 50 के आसपास की वैल्यू का स्क्वायर कैसे करेंगे आप, मल्टीप्लाई करके नहीं करना है, जैसे 51 है तो ये 50 से कितना ज्यादा है, हमेशा 25 को बेस लेंगे, 50 से एक ज्यादा है और अगेन एक का स्क्वायर कर देंगे, तो यानी कि 2601। बात समझ में आई, 2601 यानी कि 2601 इंटू 2 हो जाएगा तो 5202। ठीक है, टोटल जो मैंने पे किया, जो मेरा प्रिंसिपल था, दोनों मेरे पास आ गया, इंटरेस्ट मुझसे पूछा जा रहा है तो इंटरेस्ट इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 102 और 50 152, ये मेरा इंटरेस्ट हो गया। यहां से हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट कर लेना है, इंस्टॉलमेंट, यानी कि हमें
2601 की वैल्यू चाहिए, 2601 की वैल्यू। तो मुझे एग्जैक्ट अमाउंट अभी क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल की रियल वैल्यू अपॉन प्रिंसिपल की एज्यूम्ड वैल्यू इंस्टू इंस्टॉलमेंट की वैल्यू अगर मैं कर दूं, तो यहां से मुझे मेरा आंसर मिलेगा जो कि यहाँ पे दिख रहा है कि डेसिमल्स में आने वाला है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो काफी लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है। मैंने क्या किया यहाँ पे, डायरेक्टली मैंने 120 से मल्टीप्लाई कर देना है और अब मैं 101 से डिवाइड करूंगा ताकि मुझे पता चल जाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो डिजिट सब में डिफरेंट है, तो मैं दो बार भी इसे डिवाइड करूंगा तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा जो कि ये ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अब आते हैं फिर से सिंपल इंटरेस्ट पे। 3 साल के लिए 14% पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 4200 कम है, सेम चीज पे सब कुछ सेम है, बस वो टाइम 5 साल हो रहा है। ये वाले क्वेश्चन भी आपने बतेरे कर लिए होंगे अभी तक। बेसिक मेथड पे अब मैं नहीं जा रहा हूँ, ये तो आप कर ही लोगे, मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट मेथड पे। सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम होता है, अगर पहले साल का 100 रुपए है तो 10वें साल का, 1000वें साल का हमेशा 100 रुपए रहेगा, अगर प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है। तो मैं बोल सकता हूं कि 3 साल में एक्स मिला, 5 साल में कितना मिला, एक्स प्लस 4200। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, यानी कि 2 साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 4200, 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2100। यानी कि मुझे ये तो पता चल गया हर साल 2100 मिल रहा है, हर साल 2100 मिल रहे हैं। तो अब मैं ये भी बोल सकता हूँ 14% मुझे पता है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 14% ऑफ एक्स की वैल्यू 2100 है, 1 साल का इंटरेस्ट 14% हुआ ना प्रिंसिपल का, तो यहां से प्रिंसिपल निकल जाएगा 15,000। ठीक है, बोलिए समझ में आया कि नहीं। एक चीज और आप कर सकते हैं कि 3 साल पहले अगर आप जाओ तो 1 साल में 2100 का इंटरेस्ट आ रहा है, तो 3 साल में कितना आया होगा, 6300। यानी कि ये जो वैल्यू है इससे 6300 कम मेरा प्रिंसिपल है ना, और 3 साल में 42% मुझे इफेक्टिव रेट हो गया 14 × 3। तो मैं ये भी कर सकता हूं कि सेम ही आंसर आना है, 42% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6300, या 2 साल का अगर करें, यहाँ पे 4200 जैसे है तो 28% ऑफ एक्स। अगर मैं अपने तरीके से करता तो मैं डायरेक्टली इसे एक लाइन में करता, 14% 1 साल में है और यहाँ 2 साल का गैप है, तो मैं क्या करता, 28% ऑफ एक्स की वैल्यू मैं डायरेक्टली 4200 डालता और मेरा सेकेंड लाइन में आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये थोड़ी सी स्किल आपको प्रैक्टिस से डेवलप करनी है। अमाउंट आपको दिया है कि 640 रुपये 832 बन जाता है 2 साल में, 860 रुपये कितना बन जाएगा 4 साल में, ये आपको दिया हुआ है। तो यहां से अगर मैं देखूं, 640 आप माइनस कर दीजिए तो 160 और 192, 192 रुपये का इंटरेस्ट मिला 2 साल पे, तो डिवाइड बाई 2 करें, 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 96 रुपये। और इस इंटरेस्ट को अगर मैं प्रिंसिपल से डिवाइड करके इंटू 100 कर दूं तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15%। इफेक्टिव रेट 4 साल के लिए मुझे चाहिए तो कितना हो जाएगा, 60%। अब यहां पे मैं आपको एक नई चीज बताऊंगा, पहले मैं बेसिक से समझा देता हूं। 860 प्रिंसिपल है, 60% इफेक्टिव रेट है, इसमें मैंने टाइम और रेट दोनों कैलकुलेट कर लिया है, तो यहां से मेरा आंसर आ जाएगा 136, यानी कि 72, 172, और ये चीज आ जाएगी 621, 516 और 860, ये आंसर आ गया 1376। बट कुछ तो टाइम वेस्ट हुआ इस कैलकुलेशन में। मैं यहां से आपको डायरेक्ट एक चीज बताऊंगा, जो इफेक्टिव रेट है, ये बार बार मैं इसीलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके बड़े काम की चीज है, जो इससे खेल गया वो क्वेश्चन को बड़ा आसानी से कर देगा। ये होता है इफेक्टिव रेट, मुझे पता चल गया 15% का इंटरेस्ट है, तो 15 × 4/100 यानी कि 60/100, 3/5। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं 5 रुपये प्रिंसिपल है अगर मेरा, तो 3 रुपये मुझे इंटरेस्ट मिलेगा इन सारी कंडीशन में, 4 साल पे 15% पे। तो मैं बोल लूंगा अगर मुझे अमाउंट चाहिए डायरेक्ट, तो मैं क्या करूंगा, इसे रेशियो प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, 5 + 3/5, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो 8/5 × 160 अगर मैं कर दूं तो डायरेक्टली मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी 1376।
ठीक है, भले ही इससे आपके 10 सेकेंड बचेंगे, बट ऐसे करके आपके काफी सारे क्वेश्चन में अगर 10 सेकेंड आप बचा लूं तो आप सीधे सीधे 3 नंबर ज्यादा अंक हासिल कर सकते हो, जो आपको हजारों रैंक ऊपर पहुंचा सकता है। तो ये एक्यूरेसी बड़ी जरूरी है, टाइम बड़ा कम है 20 दिनों में, ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। देखिए अगेन ये चीज आ गई, 15,500 7 साल 30%, ये अमाउंट आपको दिया हुआ है। इफेक्टिव रेट की अगर मैं बात करूं अगेन, तो 7 × 30/100, 21/10, यानी कि ये प्रिंसिपल है और ये इंटरेस्ट है। अमाउंट आपको दिया हुआ है तो मैं बोल सकता हूं 31/10 मेरा प्रिंसिपल का अमाउंट हो जाएगा फ्रैक्शन में, डायरेक्ट डायरेक्टली आपका आ गया कि नहीं प्रिंसिपल, और यहां से आपको इंटरेस्ट भी पता चल जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये इफेक्टिव रेट वाली जो चीजें और फ्रैक्शन से खेलने वाली जो चीजें हैं, ये हम लोगों को परसेंटेज रेशियो ये सब बेसिक चैप्टर की मास्टरी के बाद ही समझ में आता है ना। और आई होप अभी आप लोग काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, Tier 1 का एग्जाम भी दिया है, CHSL वालों को भी बोल रहा हूँ, तो जो प्रैक्टिस कर चुके हैं उन्हें ये सब चीजें अब समझ में आ रही होंगी। ठीक है, एक चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे आजकल परेशान हैं क्योंकि एग्जाम काफी जल्दी डेट आ गई है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि कठिनाई क्या होती है इंसान के हिसाब से। अगर मैं अपने शब्दों में बताऊं तो कठिनाई को अगर मैं सिंपल चीज बताऊं, जब मैं अनसर्टेन हूं अपने हार्डवर्क को लेके, उसी को कठिनाई कहते हैं। एग्जाम्पल ले लूं, एक बिजनेस वाला है, वो हमेशा टेंशन लिए रहता है कि कब चीजें सही होंगी कब चीजें सही होंगी, क्योंकि वो क्या करता है, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट उसमें डाली हुई है, वो उसका रिस्क एलिमेंट है। ऐसे एक स्टूडेंट क्या करता है, जब वो अपनी मेहनत डालता है, अपना दिमाग लगाता है और वो काम करता है जो 90% उसके दोस्त नहीं कर रहे हैं, 95% दोस्त उसके नहीं कर रहे हैं, तो उसको वो चीज़ कठिनाई लगने लगती है कि यार मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट अपनी वैल्यूएबल टाइम इस चीज़ में लगाई है, क्या मेरा एग्जाम क्लियर होगा या नहीं। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी है, कठिनाई कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको ये बता दूं किसी बच्चे को कि 1 साल बाद आपको इंस्पेक्टर बनना है, इंस्पेक्टर बनना तय है, आप अभी जी तोड़ के पढ़ाई कीजिए, तो वो बच्चा 8 घंटे की जगह हो सकता हो 10 घंटे भी पढ़ ले, यार ये तो करना है, मैंने उसको बोल दिया आपको 10 घंटे टाइमर लगा हुआ है, 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, कैमरे वैमरे सब कुछ लगे हुए हैं, आपको फ्रूटफुल पढ़ाई करनी करनी है, और आपको 1 साल बाद इंस्पेक्टर का ताज दे दिया जाएगा, आप इंस्पेक्टर ऑफ किसी भी डिपार्टमेंट में जिसमें आप जाना चाहें उसमें आप जा सकते हैं। तो फिर क्या वो चीज़ कठिनाई लगेगी, वो कठिनाई नहीं लगेगी, वो बल्कि एज अ बस एक लेबोरियस टास्क लगेगा, मगर उसमें कहीं ना कहीं आपको प्रेशर हट जाएगा दिमाग से, प्रेशर हट जाएगा दिमाग से, है ना। तो यही चीज होती है अनसर्टेनिटी जीवन में, कभी भी कोई भी चीज सर्टेन नहीं है। और हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों को क्या डिफिकल्ट लगता था कि 20 तक का पहाड़ा याद हो जाए, पहले 10 तक का पहाड़ा डिफिकल्ट लगा, फिर 20 तक का पहाड़ा डिफिकल्ट लगा, फिर उसके बाद लगा कि यार ये पहले तो साइंस हुआ करती थी, अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गई है सारी की सारी, पहले तो सोशल साइंस हुआ करता था, अब हिस्ट्री की अलग एक पूरी बुक है, पॉलिटी की एक अलग बुक है, इकोनॉमिक्स की एक अलग बुक है, तो ये सारी डिफिकल्टी लगती थी और हमारे माँ बाप कहते थे कि यार कुछ भी नहीं है पढ़ो हो जाएगा। अब हमें वही सब चीजें क्या लगती हैं कि यार ये तो कुछ भी नहीं था जो लाइफ में अब हो रहा है, ये डिफिकल्ट है ना। मैं उस स्टेज से गुजर चुका हूं, तो मुझे क्या लग रहा है कि यार SSC का एग्जाम भी अगर आप सीरियसली पढ़ो तो निकल ही जाएगा, पर अभी आपके लिए वो सबसे बड़ी कठिनाई है आपके जीवन की। तो सारा कुछ दिमाग का प्रेशर है, सारा कुछ किस इज आउट वे में आप उसे वेंट आउट कर देते हैं इन सारे प्रेशर को, और अपने काम को डिसिप्लिन से करते हैं, वो चीजें मैटर करती है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सम आपको दिया हुआ है इस बार, अमाउंट भी आपको दिया हुआ है, 11% आपको दिया है, टाइम आपसे पूछ रहा है, तो सिंपल सा मैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट अगर निकाल लूँ तो ये कितना हो जाएगा, 92, यानी कि 4,620, 4,620 रुपये इज इक्वल टू 5,250 इंटू 11/100 इंटू टाइम। तो मैं यहाँ से इसको करूँगा तो ये 420 आ जाएगा, इसको भी कर देता हूँ 42, ये 21 की टेबल में आता है, टाइम आ गया 8 साल। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, जिस क्वेश्चन में कुछ नहीं उसमें ट्रिक क्यों लगानी है।
अब ये सारे कॉन्सेप्ट देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और मैं सिंपल सा इसका तरीका बताता हूँ, आपको कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि 100 रुपये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था, इसी क्वेश्चन को लेते हैं, 26 साल के बाद ये क्या होगा, ट्रिपल होगा, यानी कि 300 बन गया अमाउंट आपको, हो गया 300। यानी कि मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो कितना हो गया इंटरेस्ट टोटल 26 साल में 200 रुपए हुए, यानी कि 100 का 200% और अमाउंट हो गया 300%। आपको परसेंटेज में चीजों को याद करना है, यानी कि कभी भी आपको दिया हो कि ट्रिपल ऑफ इटसेल्फ अगर हो रहा है तो यानी कि इंटरेस्ट जो होगा वो कितना हो रहा है 200%। और सिंपल इंटरेस्ट के केस में केवल मैं बता रहा हूं, 26 सालों में अगर 200% इंटरेस्ट आ रहा है तो उसको हाफ कर दीजिए, 100% इंटरेस्ट कितने साल में आ जाएगा, 13 सालों में। अब आपसे बोल रहे कितने साल में, वो 5 गुना होगा अपने से, तो यानी कि इंटरेस्ट, अब मैं अगर आपसे पूछूं तो क्या बता पाओगे कि 400% इंटरेस्ट के बारे में बोल रहा है, इंटू चार कर दीजिए, इंटू चार कर दीजिए, 52 सालों में 400% इंटरेस्ट उसको मिल जाएगा और वो कितना हो जाएगा, अपने के 5 गुना हो जाएगा। ये चीज समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं ऐसे ही। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं कि इन्वेस्ट किया एक मनी और वो 17/10 ऑफ इटसेल्फ बन गया 2 ईयर 6 महीने में, तो इंटरेस्ट रेट बताइए, यानी कि 10 रुपए अगर थे तो वो 17 रुपए बन गए, इंटरेस्ट कितना आया 7 रुपए का। तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ, मुझे कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं दी है, केवल रेशियो दिया हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ इंटरेस्ट 7 रुपए, प्रिंसिपल 10 रुपए है, इंटू टाइम है 2.5, इंटू रेट मुझे पता करना है, तो मैं अगर इस 10 को हटाऊं तो ये डेसिमल भी हट जाएगा, ये आ जाएगा 4 और रेट आ गया 28%। चीजों को सिंप्लीफाई करना हम लोगों को आना चाहिए, चीजों को अगर सिंप्लीफाई हम लोगों ने नहीं किया तो आजकल की लाइफ आप सभी को पता है, इंस्टाग्राम पे सभी हैं, फेसबुक पे सभी हैं, यूट्यूब पे सभी हैं, इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है, इतने सारे डायनामिक्स आ गए हैं लाइफ की, डेली लाइफ में हमारे, कि हमसे कंट्रोल नहीं हो पाएंगे। 3640 2 साल, 4060 8 साल, फिर वही क्वेश्चन आ गया, 6 साल के गैप में कितना इंटरेस्ट मिल गया, 420, 420 रुपए 6 साल में मिले, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया 70 रुपए, 420 डिवाइड बाई 6। रेट आपसे पूछा जा रहा है, 3640 अगर 2 साल में ये बन गया था तो 2 साल पहले अगर मैं जाऊं तो इसमें से 70 और 70 माइनस कर दूं इंटरेस्ट को, तो 140 माइनस करूं तो 2 साल पहले कितना था 3500, जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट हुआ, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, यानी कि रेट। दो परसेंट रेट पर आ गया हमारा सही उत्तर। यह वाला क्वेश्चन भी सेम है, 25/36 बना, यानी कि 36 रुपए प्रिंसिपल था, 25 रुपए इंटरेस्ट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है अगेन, 25 = 36 × r/100, और यहाँ पे तो ये भी दिया हुआ है, ईयर्स भी रेट के बराबर है, तो ये भी r हो जाएगा, ठीक है, r² = 2500/36, दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, अंडर रूट कर दीजिए, 50/6, 25/3, 8/3, यानी कि 8.33%। 3 साल में इतना हो गया, 4 साल में इतना हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ से रेट पता चल जाएगा आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल, 806 - 767, 39 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल, आपसे सम पूछा जा रहा है, तो इसमें से मैं 3 साल का इंटरेस्ट जो लगा इस पे कितना हो गया 117 रुपए, ये माइनस कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, बट मेरा मोटिव यह है कि एटलीस्ट जो आसान क्वेश्चन है उसे हम लोग कैसे 20-30 सेकंड में सॉल्व करें, ठीक है। तो अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो एक बार बता दीजिएगा, सम डिपॉजिट किया जो कि 1.25 टाइम्स हो गया 3 साल में, 1.25 यानी कि 100 रुपए अगर था तो वो 125 रुपए हो गया, 25 रुपए का मेरे पास इंटरेस्ट जमा हो गया 3 साल में। अब आपसे बोल रहा है अगर 7,60,000 चाहिए, यानी कि 125 नहीं, अब 7,60,000 चाहिए, तो बताइए कि स्टार्टिंग में कितना जमा हूं, ठीक है। बट ये तो 3 साल का था, अब यहाँ पे टाइम भी बदल गया, 7 साल हो गया, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए,
रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए, 100 का 125 हो गया, 25 रुपये इंटरेस्ट है, तो मैं अगेन इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए सेम चीज करूंगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 25/3, यानी कि 8 1/3, हमारे काम का यही वैल्यू है 25/3। अब हमसे बोल रहा है 7,60,000 चाहिए, 7,60,000 चाहिए, तो अभी कितना हो जाए, तो मैं 25/3 और 100 नीचे ऐड कर दूं, तो मैं इसमें क्या बोल रहा हूं कि मेरा फ्रैक्शन कितना है, 1/12। ये सिंपल मेथड से हम लोग कर सकते हैं, मैं आपको दूसरी चीज समझा रहा हूं, यानी कि 12 रुपए पे हर साल 1 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट चेंज तो होगा नहीं, तो 7 साल है यहाँ पे, तो 7 साल में 1 रुपए 1 रुपए 1 रुपए करके 7 रुपए मिले, यानी कि 7 साल में 12 रुपए की वैल्यू कितनी हो गई, 19 रुपए। 19 रुपए, 12 रुपए 19 बन गए, और मुझे चाहिए 7,60,000 रुपए, तो प्रिंसिपल कितना होगा, 7,60,000 / 19 कर दीजिए, ये कितनी वैल्यू आ रही है, 40,000। यही मल्टीप्लायर यहां पे लगा दीजिए, 4,80,000। चौबीसवां क्वेश्चन है, आप देखिए फिर से, एक सम जो है 2 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ बन गया, यानी कि 100 था तो 200 बन गया, तो 200% तो अमाउंट हो गया, और इंटरेस्ट कितना हुआ, 100%, 100% इंटरेस्ट हो गया, 5% का रेट लग रहा है। 100% कब होगा, इफेक्टिव रेट तो 100% आ गया, इफेक्टिव रेट 100% आ गया, और 5% हर साल का इंटरेस्ट है, इफेक्टिव रेट क्या होता है, RT/100। तो अगर 5% का हर साल है, तो ये कि 100 है अगर, तो यहाँ पे टाइम क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए, 20 साल। अब आपसे ये बोल रहा है कि कितने उसी टाइम में अगर उसे 5 गुना बनना हो, यानी कि 400% जाना हो, तो रेट कितना होना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि आपका इफेक्टिव रेट अब कितना हो गया, 400%, 5 गुना होना है तो 400% हो गया, टाइम 20 साल ही है, टाइम 20 साल ही है, तो इस बार कितना आ जाएगा यहाँ पे, 20% आंसर। बात समझ में आ रही है, 20 साल आंसर, 20% आंसर आ जाएगा। अब अगर मैं, आप कहोगे ये सब मेथड नहीं अच्छी लग रही मुझे, सिंपल तरीके से चलते हैं, तो देखते हैं कितना टाइम लग रहा है। 100 रुपये मैंने माना, 100 का 100 रुपये इंटरेस्ट मिला, 200 रुपये बन गया 5% पे। अब आप एक चीज सोचो कि अगर मुझे 100 पे हर साल 5% के हिसाब से 5 ही रुपये मिलना था, पर 100 रुपये मिले मुझे इन टोटल, तो कितने साल लग गए, टाइम तो मेरा आ गया 20 साल। ये भी मैं थोड़ा बेसिक से शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, बट फिर भी ठीक है। अब मुझे चाहिए कितना, 5 गुना, वही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट बस चेंज होगा, बाकी सब चीज सेम रहेगी, यानी कि टाइम और प्रिंसिपल दोनों सेम रहेगा, तो इंटरेस्ट इस बार कितना हो गया, 400 रुपये, और टाइम मेरा कांस्टेंट है 20 रुपये, तो 20% रेट आ गया, ऐसे कर लो आप। 25वां क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल जो है वो 3 टाइम्स हो गया 10 साल में, यानी कि इंटरेस्ट कितना पड़ा, 200%, अमाउंट तो हो गया 300%, इंटरेस्ट कितना हुआ, 200% 10 साल में, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं बोल सकता हूँ 20% है, डिवाइड बाई टाइम कर दो, इफेक्टिव रेट क्या होता है, RT, RT 6 टाइम्स हो गया 20 साल में, यानी कि 20 साल में कितना हुआ, 500% इंटरेस्ट मिला, यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको, डिवाइड बाई 20 कर दीजिए, 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, 5 गुना होना चाहिए, यानी कि 400% होना चाहिए, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 400% होना चाहिए, तो इफेक्टिव रेट आपको दे दिया 400%, डिवाइड बाई इंडिविजुअल साल का रेट कर दीजिए, तो आपको टाइम भी पता चल जाएगा कितना हो गया, 16 साल। 27वां क्वेश्चन है कि 10,200 रुपए 19,125 रुपए कब बनेंगे 12.5% के हिसाब से, 12.5% क्या होता है, 1/8, 1/8, यानी कि 8 रुपए पे हर साल 1 रुपए का ब्याज मिलेगा, ये चीज समझ में आई। अब मैं अगर इसका फ्रैक्शन बनाऊं, सिंपल तरीके से तो कर ही सकते थे, PRT/100 वो तो आप लोग भी कर लोगे, सिंपल इस तरीके से अगर करके देखूं मैं, 25 से करूं,
तो 7 बार गया, 6 बार गया, 5 बार गया, 4-0। ठीक है, फिर 3 से भी जा रहा है, 2 बार गया, 5 बार गया, 5 बार गया, ठीक है, 17 से जाएगा, 17 8 136 होता है, ये 15, यानी कि 15/8 ये फ्रैक्शन आया। तो ये डिनोमिनेटर तो हमारा सेम है यहाँ पे, बट हर साल 1 रुपए मिलना था, यहाँ पे 15 हो गया, यानी कि 8 + 7 हो गया। इंटरेस्ट कितना है? 7 रुपए, यानी कि 7 साल तक मिला होगा जब हर साल एक ही मिलना है। ये बात समझ में आई? ये थोड़ा सा ये नई चीज आपको समझने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स आपको बताने हैं। जब एक मनी 4 गुने से ज्यादा हो जाएगा 50% की दर पे, 4 गुना कितना हो गया? 300% वैल्यू, 300% वैल्यू हो गया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया? 300%। हर साल 50% हो रहा है, तो 6 साल में कितना हो जाएगा? 300%। ये तो इफेक्टिव रेट पता चल गया, बट हमें चाहिए इससे ज्यादा कब होगा? तो वो 7वें साल में होगा, 7th ईयर में, यानी कि पहले ही दिन हो जाएगा 7वें साल के। बट हमें क्या करना है? हमें कंप्लीट ईयर्स बताने हैं। तो आंसर क्या होगा? 6 साल नहीं होगा, 7 साल होगा, क्योंकि मोर देन यहाँ लिखा है, इक्वल टू नहीं लिखा है, यहाँ मोर देन लिखा है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। 880 913 बन गया। अब इसमें कोई ट्रिक लगाने की आपको जरूरत है नहीं, है ना? 33 रुपीज PTR 500। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। 3 साल के लिए कोई अमाउंट 5%, ओके, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ लिया। 3 साल के लिए कोई सम जमा कराया गया, अगर उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दर, साधारण ब्याज दर 5% ज्यादा होती तो उस पे 600 रुपये ज्यादा मिलते। अब मैं अगर एक चीज आपको बताऊं कि 100 रुपये पे अगर मैं बोलूँ कि 10% जोड़ो कितना होगा? 110 होगा। अगर मैं बोलूँ इसी पे 15% जोड़ो कितना होगा? 115 होगा, 115 होगा। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया? 5 रुपये का। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि ये 5% का डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बराबर 5 रुपये आ जाएगा। ठीक है, सेटिस्फाई हो रही है? अब मैं चलता हूं अपने कॉन्सेप्ट पे कि अगर ये 5% का जो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ हायर लिखा है ना, यानी कि 5% का डिफरेंस है, इसको मैं अपने प्रिंसिपल अमाउंट के साथ देखूं तो ये 600 के बराबर होना चाहिए। एक्स की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी? हजार। पर यहां पे गलती क्या हुई? यहां पे 3 साल है, इफेक्टिव रेट देखना है, तो ये 15% होगा, ये 15% होगा, और डिवाइड बाई 3 कर सकते हो आप, 4000 आ जाए। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 31। डबल्स इटसेल्फ इन 7 ईयर्स, यानी कि 7 साल में 100% इंटरेस्ट आया, 5 गुना पूछ रहा है, यानी कि 400%, 400% कब हो जाएगा? 28 साल में। अब देखो ये आप 10 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। जो बच्चे अभी तक जुड़े हुए हैं इस वीडियो में, वो मैं बोल सकता हूँ कि पक्का सीरियस बच्चे हैं, और उनको अब चीजें जो मैं सिखाना चाह रहा था वीडियो की स्टार्टिंग में, उनको वो चीजें थोड़ी सी बेटर समझ में आ रही होंगी। और मैं ये कहूंगा भले ही आपको वीडियो ना देखना हो, जो मैं कंटेंट बनाता हूँ उसमें बहुत टाइम लगता है, तो वो PDF जरूर आप डाउनलोड करो और उनको प्रैक्टिस आपको जरूर करना है। अगर आपको कहीं पे डाउट आता है तो आप वीडियो रेफर कर सकते हो, चाहे मेरा करो चाहे किसी का भी टीचर का करो, किसी ना किसी का तो फायदा होना ही चाहिए। तो PDF मगर जरूर देखिए, ये आपके अपने फायदे के लिए मैं बता रहा हूँ। 2500 रुपये 8 साल के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे, और 3725 जो हो जाता है। तो बेसिक मेथड तो हमें पता है। मैं अगेन आपसे अगर मैं देखूं, 3725/2500 मैं कर दूं, तो ये आला तरीका भी है जो मैंने बताया है, और बेसिक तरीका भी है। यहाँ पे 1225 इंटरेस्ट हो जाएगा, प्रिंसिपल इतना है, रेट इतना है, और टाइम इतना है, डिवाइड बाई 100 कर देना है। यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 49। 49/8 जब हम करेंगे तो हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी? कितनी मिल जाएगी? 6.125%।
35वां क्वेश्चन अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, 1202 साल में हो रहा है, 1604 साल में हो रहा है, यानी कि 2 साल में इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 400 रुपए का, यानी कि 1 साल में इंटरेस्ट कितना होगा, 400/2, यानी कि 200 रुपए। बात समझ में आ रही है, 200 रुपए इंटरेस्ट होगा 1 साल का, रेट परसेंट पर एनम आपसे पूछ रहा है, तो यानी कि 2 साल पीछे और खिसक जाइए, 200 माइनस किया और 200 और माइनस किया, 1200 में 400 निकाला, यानी कि प्रिंसिपल मेरा कितना था 800, रेट है 200 इंटू 100 कर दीजिए, दिख रहा है 1/4 है, तो यानी कि 1/4 पे 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लास्ट 3-4 क्वेश्चन बचे, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज है, 5 पैसा पर रुपी पर मंथ का अगर सिंपल इंटरेस्ट है, तो पर मंथ लिखा हुआ है, पर एनम नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको एक तो टाइम में मंथ्स के हिसाब से लेना है, यूनिट आपकी मंथ्स की आएगी, एक चीज ये कंफर्म कर लीजिए, और 5 पैसा पर रुपी आप किसी भी लैंग्वेज में रेट को लिख सकते हो, 5 पैसा पर 100 पैसा इंटू 100, यानी कि 5% का रेट है, ठीक है। 8 महीने का टाइम है और जब यूनिटी मंथ में है तो आपका इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगा, 5 × 8 यानी कि 40%, यानी कि 2/5 2700 इंटू 2/5 25वें क्वेश्चन में देख लेते हैं, 25% साधारण ब्याज पे कोई अमाउंट दिया जाता है लोन में, 6 साल बाद जो इंटरेस्ट है वो 360 रुपये ज्यादा है सम से। अब देखिए मैं वही चीज करूंगा कि 100 का 125 हो रहा है एक साल में, 100 का 125 हो रहा है, तो अगर मैं यही चीज देखूं 25 रुपए का ब्याज है और 6 साल तक यही जाएगा तो 150 रुपए का ब्याज मिलेगा, यानी कि 100 का 250 हो रहा है और ब्याज कितना मिल रहा है 150, 6 साल की बात ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है कि जो 6 साल में इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल से 360 रुपए ज्यादा है, यहाँ पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में फर्क कितना है, फर्क कितना है यहाँ पे 50 रुपए का, और एक्चुअल में फर्क कितना है 360 रुपए का, रियल अपॉन एज्यूम्ड वैल्यू इंटू जो निकालना है उसकी एज्यूम्ड वैल्यू, यहां से डायरेक्टली आंसर आ गया 720 रुपए, 9600 रुपए उसने इंटरेस्ट के तौर पे पे किया जो उसने 5 साल पहले लोन लिया था 16% की दर पे, तो इफेक्टिव रेट कितना हो गया 80%, इसी को फ्रैक्शन में कर लूं तो कितना हो जाएगा 4/5, यानी कि उसने 4 रुपए एज्यूम्ड वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है 9600 और प्रिंसिपल है 5 रुपए, ये हमारा आंसर आ जाना था। ₹12,000 का लोन लिया इन्होंने। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि उसने एक बी को, ए ने 23,000 लोन दिया, सी को 19,000 लोन दिया, टाइम भी अलग अलग है और टोटल इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे आपको इक्वेशन बनानी है, बेसिकली इंटरेस्ट इज इक्वल टू फर्स्ट इंटरेस्ट यानी कि 23,000 इंटू 3 साल, और रेट दोनों जगह सेम है तो मैं रेट कॉमन ले लेता हूं, प्लस 19,000 इंटू 4 साल, ये चीज आपको कैलकुलेट करनी थी, तो ये चीज मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कैलकुलेशन, 2.5%। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, इसकी PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, और कम टाइम बचा हुआ है तो आप मेरे उस वीडियो को जरूर देखिए जो मैंने कल डाली है, जिसमें मैंने ये बताया लास्ट 20 दिन में आपको क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी है, तो कभी कभार सुन लेनी चाहिए, वैसे तो बहुत कम लोग सुनते हैं पर ठीक है, जितने भी लोग सुनते हैं मैं उनका सोचता हूँ कि उनका फायदा जरूर हो मेरे थ्रू, उनका टाइम वेस्ट ना हो और उनको मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट ला के दे सकूँ, तो मेरी कोशिश हमेशा जारी रहेगी, ये हमेशा एक प्रोग्रेसिव थिंग है, कभी भी इसमें 100% अचीवमेंट नहीं हो सकती है, टीचर के साइड से भी स्टूडेंट के साइड से भी, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट होता है, मैथ्स हो इंग्लिश हो, सब में अनलिमिटेड कंटेंट है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन में कोई भी बच्चा फंस सकता है, कोई भी टीचर भी फंस सकता है, पर मेरा काम यह है कि आपको यहाँ पे आके मोटिवेट करना और आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देना, तो आप सबको मेरी शुभकामनाएं, आप सबको ऑल द बेस्ट, फिर से मिलेंगे, थैंक यू।